असल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ बहुत खुश होंगे जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से सिंपल से पोटैटो के नगेट्स आलू के नगेट्स जो है वो बनाएंगे हम और इनको बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और ही मुनासिब से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए मज़ेदार से जो है वो पोटैटो के नगेट्स बनाएंगे तो लुक जो है वो आप माशाला देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्ती है जी तो बनाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं जी तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने ग्रेटेड पोटैटोज़ लिए हैं पोटैटोज़ हैं अब हाफ के जी और इनको अच्छे से कद्दूकश कर लिया ये ले लिए हैं इसमें चार से पाँच चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे अच्छा पोटैटो को कद्दूकश करने के बाद ना आपने उनका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेना है ठीक है पानी ना हो उसमें अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें ऐड कर देंगे कैबेज बंद गोभी है ये भी मैंने कद्दूकश की हुई है और प्याज़ है ये ऐड कर देंगे इसके साथ जो है वो गाजर है वो भी कद्दूकश है और इसके साथ ग्रीन चिली है ठीक है तो ये सारी वेजेस जो हैं अंदर ऐड कर देंगे तो ये नगेट्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं और बड़ा फ्लेवर भी इनका बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारी वेजेस जो हैं वो भी इसमें ऐड होती हैं तो इस वजह से इसका फ़्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है अगर आप बच्चों को सर्व करना चाहते हैं तो आप ग्रीन चिली जो है वो स्किप कर सकते हैं जी तो नेक्स्ट जो है इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो नमक सबसे पहले ऐड करेंगे टू टीस्पून जो है वो इसमें नमक ऐड कर देंगे आप नमक जो है वो पे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हल्दी तो वन टी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे हम हल्दी इसके साथ नेक्स्ट जो है इसमें ऐड करेंगे दड़ा मिर्च तो ये एक टी स्पून ऐड की है मैंने और एक और टी स्पून जो है वो ऐड कर देंगे तो ये स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐड किया है मस्टर्ड पाउडर ये भी वन टीस्पून ऐड कर दिया है और इसके साथ नेक्स्ट जो है वो ब्लैक पेपर ऐड की है मैंने पाउडर फॉर्म में तो ये भी टू टीस्पून ऐड कर दिए हैं तो बड़े सिंपल से अज़ा हैं जैसा कि आप चेक कर सकते हैं जी तो यही सारे जो हैं वो मसाले हैं जो इसमें ऐड करेंगे अब नेक्स्ट वो इसे बहुत ही अच्छे से आपने क्या कर लेना है मिक्स कर लेना लेकिन इससे पहले इसमें ऐड करेंगे एक अद अंडा ठीक है तो जर्दी के साथ ही जो है वो एक अंडा एक ऐड कर देंगे अंडा ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट जो है इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर जो है वो इस किस्म का हो जाएगा अब आप एक मोल्ड लें किसी भी शेप का ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर फ्लावर शेप ली है आप कोई भी शेप ले सकते हैं तो ये मैं आपको एक जो है वो नगेट बना के दिखा देती हूँ देखिए बड़े सिंपल सा तरीका है वैसे आ, मैंने जो सारे नगेट्स बनाए थे वो हार्ट शेप के बनाए हैं लेकिन मैंने यहाँ पे जो मोल्ड सेलेक्ट किया है आपको दिखाने के लिए वो मैंने फ्लावर शेप का सिलेक्ट किया है ठीक है तो बस आपने इसी तरह जो है वो सारे जो है वो नगेट्स आपने बना लेने हैं देखिए माशा किसका तो ज़बरदस्ता बन गया है और मैं आपको बाकी के मोल्ड भी दिखा देती हूँ जी तो ये स्टार शेप का भी है और इसके साथ साथ ये हार्ट शेप का भी है तो मैं हार्ट शेप के बनाऊँगी जी तो सारे नगेट्स बनाने के बाद अब मैंने जो है वो ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है और इन्हें शैलो फ्राई करेंगे डीप फ्राई नहीं करना आपने तो वन बाय वन जो है वो नगेट्स ऐड करते जाएंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम लो टू मीडियम हो हाई भी ना हो ठीक है और ऑयल अच्छे से गर्म हो ठीक है तो ये जो है वो मैंने सारे नगेट्स जो है, हैं वो ऐड कर लिए हैं अभी जो है वो तकरीबन तो दस मिनट तक इन्हें फ्राई करेंगे तो ये दस मिनट फ्राई करने के बाद जो है वो हमारे नगेट्स जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो होप्सॉफ कोई रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो आपने लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है जी तो मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़